डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आरसीआई ऑनलाइन पाठशाला। आज हम टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में डिवाइड करना सीखेंगे, यानी जेड वन अपॉन जेड टू। देखिए कैसे इनको सोल्व करते हैं। लेट जेड वन इक्वल टू एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन और जेड टू इक्वल टू एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू। तो देखिए जेड वन अपॉन जेड टू कैसे सोल्व करेंगे। x1 प्लस आयोटा वाई वन अपॉन एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि जनरली हम आयोटा वाली क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, इसलिए हम जो डिनोमिनेटर में है इसके कंजुगेट से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, x2 माइनस आयोटा वाई टू अपॉन x2 माइनस आयोटा वाई टू। कंप्लीट। अब उसके बाद में इसे सोल्व कर लीजिए, देखिए क्या आएगा। x1 x2 केवल सिंपली मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो x1 को यहाँ से किया तो क्या आएगा, माइनस आयोटा x1 y2, ठीक है। अब इसको करो, इसको इसके साथ करो तो क्या आएगा, प्लस आयोटा y1 x2। और देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर वाई वन वाई टू अपॉन क्या होगा, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कंप्लीट। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। उसके बाद देखिए इनको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, एक्स वन एक्स टू। देखिए एक काम करते हैं, इसमें पहले हम पॉजिटिव को लेते हैं उसके बाद में नेगेटिव को ले लेते हैं ना। देखो ध्यान से, प्लस आयोटा वाई वन एक्स टू माइनस आयोटा एक्स वन वाई टू, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो ये माइनस है और आयोटा स्क्वायर क्या होगा, माइनस वन, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और क्या कर दिया, वाई वन वाई टू अपॉन में क्या होगा, देखो एक्स टू का स्क्वायर माइनस, और यहां से क्या होगा, आयोटा स्क्वायर वाई टू का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन, तो माइनस वन और ये माइनस क्या होगा, प्लस, और यहां पे क्या कर दो, वाई टू का स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, एक्स वन एक्स टू, अब आयोटा वाला एक तरफ ले लो और जो आयोटा नहीं है उसको एक तरफ ले लो, तो प्लस वाई वन वाई टू प्लस आयोटा कॉमन ले लो और क्या करोगे, वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू अपोन में एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई टू का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद में सोल्व कर लो, देखिए क्या होगा। आप एक काम करें कि इसको ऐसे करो, एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू अपोन में x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आयोटा करो और क्या करोगे, y1 x2 माइनस x1 माइनस x1 y2 अपोन में क्या होगा, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। अब देखिए कई लोग बच्चे सोच रहे होंगे कि ये आया कैसे, तो मैं उनको कहता हूँ आप एलसीएम लो। एलसीएम क्या आया, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, तो आपको ये पूरी लाइन ऊपर की मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। कंप्लीट है ना, ठीक है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट करें और मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप जितने भी मैं चीज़ें लिखवा रहा हूँ इनको आप नोट्स में नोट कर लें, ताकि जब आपको ये चीज़ें दोबारा से पढ़ाई जाएंगी तो आपको कम से कम नोट करने की ज़रूरत ना पड़े। फिर भी ये सब चीज़ें आपको दोबारा से पढ़ाई जाएंगी, एक बार आप अगर इनको थोड़ा सा भी ठीक प्रकार से समझ पाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही कि जेड वन अपॉन जेड टू कैसे सोल्व करना है वो आपको मैंने बता दिया है। तो इसे आप वीडियो को दो से तीन बार देख करके और क्लियर कर लें। आज के लिए इतना ही।